हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजनासी किचन। आज हम तीन फ्लेवर का आइसक्रीम बना रहे हैं, रोज फ्लेवर, बटर स्कॉच और वनीला। तो ये तीनों आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए हम बना रहे हैं आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, जो हम तीन फ्लेवर का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें क्या क्या सामान यूज हो रहा है। तो ये हमने आधा लीटर दूध लिया है, इसको हम बॉयल के लिए रख दिए हैं। ये हमारा फुल क्रीम मिल्क है, तो ये हाफ लीटर है, ये हमने बॉयल को रख दिया है। और उसमें एक कप, जो मेजरिंग कप होता है उसे एक कप हमने चीनी लिया है, और 3/4 कप कॉर्न स्टार्च लिया है, और ये छोटे बाउल में हमने मिल्क पाउडर लिया है, और ये GMS पाउडर है, और ये CMC पाउडर है, जिससे हमारी आइसक्रीम बढ़िया जमती है और क्रीमी बनती है। तो हम आपको सबसे पहले इसको सबको घोल के दिखाते हैं। इसके लिए हमने एक गिलास दूध लिया है, ये एक गिलास दूध है जिसमें हम इसको बनाएंगे। तो ये पहले हम आधा गिलास दूध लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम और ले लेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले कॉर्न स्टार्च डालेंगे। ये दूध हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है ताकि सब हमारा अच्छे से इसमें घुल जाए और लम्स ना पड़े। ये हमने 3-4 चम्मच ले लिया था कॉर्न स्टार्च, और ये मिल्क पाउडर भी उतना ही है, 3-4 चम्मच ये भी है, जिसे हम लोग खाना खाते हैं उस स्पून से 3-4 स्पून ये भी है। अब हम इसको घोल लेते हैं। इसमें अब हम ये 1.5 स्पून करीब हमने GMS पाउडर ले लिया है, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं, और इसमें 1/4 हमने लिया है CMC पाउडर, 1/4 से थोड़ा कम ही रहेगा, ये कम पड़ता है। तो ये हमने CMC भी डाल दिया, ये हमारा अच्छे से घुल गया है। अब हम इसमें दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। सबसे पहले चीनी को इसमें हम गला लेंगे। आइसक्रीम मीठी होती है इसलिए हमने इसमें 1 कप चीनी डाला है। आप हल्का, कम, ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब ये चीनी घुल जाएगा तब हम इसमें ये सारा मिक्सचर डाल के पका लेंगे 2-3 उबाल। इतना दूध हमारा 1/4 ग्लास बच गया, 3/4 हमारा ये बैटर घोलने में लग गया। तो अब हम इसको देख लें, दूध हमारा अच्छे से खोल गया है और इसमें चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें इस मिक्सचर को डाल के चला देते हैं। तो अब ये हमारा मिक्सचर बहुत ही स्मूथ बन गया है, ये देखिए। तो इसमें कोई लम्स नहीं है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। डाल के इसको हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। चीनी डाल के ज़रूरी नहीं है आप बहुत चलाइए, लेकिन कॉर्न स्टार्च और दूध पाउडर ये सब मिक्स करके जब हम डालेंगे तो हमें इसे बहुत अच्छे से चलाना है ताकि नीचे तले में चिपकने ना पाए। ये हमारा मिक्सचर अब गाढ़ा हो गया है, इसको हम ठंडा करके इसमें रखेंगे। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को, और ये ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे। जब ये हो जाएगा तब हम इसको फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। जब ये जम जाएगा तो फिर इसको व्हिप करना है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। ये हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, अब हम इसे डीप फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख लेंगे। उसके बाद फिर हम इसी में इसको व्हिप कर लेंगे, इसलिए हम इसी बर्तन में रख रहे हैं ताकि वो फूल के ऊपर आए तो इतना स्पेस हमारे पास है इसमें, तो हम इसी बर्तन में व्हिप करेंगे, इसलिए हम इसी में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। डीप फ्रीजर में हम इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं, ढक्कन से ढक के इसको रख देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तभी आप आइसक्रीम बना सकते हैं, आपके पास ये हैंड बीटर भी होगा तो भी आप आइसक्रीम अच्छे से बना सकते हैं। और हर घर में आइसक्रीम बन सकता है, हर घर में हैंड से बीट करने वाला तो सबके घर होता है। इलेक्ट्रिक बीटर हो या ना हो, आप इससे फेंट के आराम से अच्छे से केक, कुल्फ़ी और आइसक्रीम सब कुछ आराम से आप बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ही हो तो आप आइसक्रीम बनाइए, तो हम भी चलते हैं बनाने आइसक्रीम।
आइसक्रीम हमारा अब जम गया है तो उसमें मिलाने के लिए पहले हम क्रीम को विप करते हैं। तो ये क्रीम को पहले हम विप कर लेते हैं। इसको हमने नीचे बर्फ़ रख के इस मेथड से हम इसको विप करेंगे। पहले धीरे धीरे विप करेंगे, फिर उसी को बढ़ाएंगे। बिप हो गई है, ये देखिए इस तरह से क्रीम हमारी बिप हो गई। अब इसको हमें आइसक्रीम में मिलाना है। ये इस तरह से हमारी बिप हो गई है, जो ऐसे पलटने से नहीं गिर रही है, अच्छे से एयर इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो इस तरह से हम बर्फ़ डाल के उसके ऊपर इस बॉयलर को बाउल को रख के फिर हमने बिप किया था। ये हमारा आइसक्रीम इतना जम चुका है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ले आके इसे भी बीप करेंगे। ये हम अपना आइसक्रीम भी बीप कर लेते हैं। 10 मिनट में ये इस तरह से फूल के तैयार हो गया। अभी हम देखिए ये भगोना भर गया है। अभी हम 2-3 मिनट और फेंटेंगे तो ये और ऊपर तक आ जाएगा। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए हमने स्टोव पे ये रख दिया है। अब इस पर हम चीनी कैरमलाइज करेंगे। तो इसमें हम चीनी डाल के इसको कैरमलाइज करेंगे, फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसी कैरमलाइज चीनी के साथ, फिर उसको 1 चम्मच बटर डालेंगे, 1 टीस्पून, फिर उसको जमा देंगे प्लेट में। ये हमारी चीनी अब कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। तो इसको हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। कैरमलाइज हो गया है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और इसमें हम इतना बटर डालेंगे और डीप ताकि इसमें ग्लेज आ जाए अच्छे से। और ये अब हो गया, इसको हमको ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्लेट में हमने ग्रीस कर दिया है ऑयल से और अब हम इसमें इसको डाल देते हैं। ये ठंडा होके बहुत ही क्रंची, बहुत अच्छा बन जाएगा। ये हम बटर स्कॉच में इसको क्रश करके डालेंगे। ये अब ठंडा होता है तब तक हम सारे फ्लेवर तैयार कर लेते हैं। ये 15 मिनट होने वाला है तो ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसमें क्रीम थोड़ा सा मिला के व्हिप करके जो रखें क्रीम उसको मिला के व्हिप कर लेते हैं। ये इस तरह से हम मिला देते हैं। ये क्रीम हमने इसमें मिला दिया अच्छे से। अब हम इसको व्हिप कर लेते हैं एक बार। ये हमारा बटर स्कॉच क्रंच तैयार हो गया। अब इसको हम पॉलीथीन में भर के क्रश कर लेंगे। तो हम इसको बेलन की मदद से क्रश कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से क्रश हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं। तो इसको हम अब बांट लेते हैं अलग अलग फ्लेवर डालने के लिए। इस तरह से तो पहले हम वनीला एसेंस डाल के वनीला वाला हम बनाते हैं। तो ये हमने वनीला एसेंस डाल दिया, इसमें हमने बटर स्कॉच कलर डाल दिया और थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए एसेंस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा बटर स्कॉच तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा क्रश डालेंगे, ये जो हमने बनाया हुआ, और हम ऊपर से मिला देंगे। तो ये हमारा, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमारा बटर स्कॉच फ्लेवर का आइसक्रीम बन गया है। इसको हम फॉइल से रैप करके फिर हम इसको रख देते हैं। ये मेरे पास क्लिंग फॉइल है जिससे हम इसको रैप करेंगे ताकि इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना आए।
इसको क्लिंग फॉइल से रैप करके फिर ढक्कन बंद कर देंगे। दूसरे में हम रोज़ फ्लेवर डालेंगे जिससे जो है रोज़ का फ्लेवर इसमें आए। तो इसको हम थोड़ा सा रोज़ इसमें डाल दें, ये हमारा रोज़ फ्लेवर का हो जाएगा। ये मिक्स हो रहा है, ये भी मिक्स होके बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। हमने क्लिंग फॉइल से रैप कर दिया। क्लिंग फॉइल से रैप होने से बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं आएंगे, इसका आप ध्यान दीजिएगा। या आपके पास एल्युमिनियम फॉइल हो या क्लिंग हो, कोई भी एक हो जिससे आप इसको अच्छे से कवर कर सकिए। इसके बाद हम इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। अब हम तीसरा वाला वनीला एसेंस बनाते हैं। ये हमारा रोज़ फ्लेवर का बना, वो बटर स्कॉच और ये वनीला एसेंस। ये हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं वनीला फ्लेवर बनाने के लिए। चॉकलेट फ्लेवर का भी बना सकते हैं अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर हो। फ्लेवर कुछ भी डाल सकते हैं, बेस तो एक ही रहता है सबका। तो ये हम वनीला एसेंस डाल के वनीला फ्लेवर का बना रहे हैं। तो ये हमारा ये भी बन गया। इसे भी हमने फॉइल से, क्लिंग फॉइल से रैप कर दिया। अब हम सबको ढक्कन रख के ओवरनाइट इसको जमने के लिए रख देंगे। ये हमारे तीनों फ्लेवर की आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे। तो इस तरह से ढक्कन बंद करके तीनों को रख देंगे। इसे सब तीनों को डीप फ्रीजर में रखना है एक रात पूरा, कम से कम 7-8 घंटे के लिए। प्रेशर कम करके फ्रिज में रखे रहेंगे, उसके बाद फिर इसे निकाल के रखेंगे। तो हमारे तीनों तैयार हो गया, अब इसे हम डीप फ्रीजर में रख देते हैं। ये हमारे आइसक्रीम बनके तैयार हो गए हैं। इसकी हम ऊपर से प्लास्टिक हटा देते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा जम गया है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अगर नहीं हो ये हैंड मिक्सर बीप करने वाला तो आप मिक्सी में भी इसे पीस के बढ़िया बना सकते हैं। मिक्सी में भी ये फिट जाता है, तो हर कोई इसे बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक बीटर ही हो। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये हम बटर स्कॉच आइसक्रीम पहले इसके ऊपर से स्कूप कर लेते हैं। देखिए कितना क्रीमी आइसक्रीम बना है। तो इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तैयार हो गया, इसे हम बटर स्कॉच क्रश से सजा लेते हैं। और अब हम रोज़ फ्लेवर का करते हैं। तो ये रोज़ फ्लेवर वाला भी हमारी आइसक्रीम बन के तैयार। अब ये रोज़ फ्लेवर वाला हम निकाल लेते हैं। तो ये भी हमारा को आप इस तरह से निकाल ले, बुक कर दीजिए। इसे हम रोज़ सिरप से गार्निश कर देते हैं और चेरी से। तो ये हमारी आइसक्रीम रोज़ फ्लेवर वाली भी बनके तैयार हो गई है। वनीला वाला ले लेते हैं। अब हम वनीला वाला निकाल लेते हैं। निकल गया, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस बना है। इस तरह से स्कूप से हम चॉकलेट सिरप और थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। ये हमारे तीन तरह के आइसक्रीम, इसे खाइए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।